हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल फीलिंग फूडीज। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं गुलगुले की रेसिपी, जिसे हम मीठे पौवा भी कहते हैं। इसे मोस्टली शादियों में जब रज्जा का होता है तब बनाया जाता है, बट हम इसे आज इस रिमझिम बारिश के मौसम में बनाएंगे। कभी कभी रिमझिम बारिश में मीठा खाने का भी मन होता है, तो इस गुलगुले की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक भगोने में एक कप गुड़ लेंगे। गुड़ को आप इस तरह से छोटे छोटे पीस में कट कर लीजिए। और साथ ही इसमें हम एक कप पानी डाल देंगे। अब गुड़ को पानी में घुलने तक का वेट करेंगे। जब गुड़ पानी में अच्छे से घुल जाएगा तब इसको ठंडा कर लेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। हम यहाँ 1.5 कप गेहूं का आटा ले लेंगे। इसमें हम 2 टेबल स्पून रवा, जिसे हम सूजी भी कहते हैं, इससे गुलगुले का टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून सौंफ को दरदरा करके डाल देंगे। और साथ ही इसमें हम 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं। अब गुड़ का जो पानी तैयार किया था उसको थोड़ा थोड़ा डालकर इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, जब तक ये अच्छे से स्मूथ नहीं हो जाता। अगर गुड़ का पानी कम पड़ जाए बैटर बनाने में तो आप नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे गुलगुले का बैटर बनकर रेडी है। जैसे हम पकौड़े का बैटर बनाते हैं, ये सेम वैसे ही बनकर तैयार होता है। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून यीस्ट, जिसको हमने पहले ही 1 टेबल स्पून पानी में डालकर एक्टिवेट कर लिया था, डाल देंगे इसको और मिक्स करेंगे इसको। इससे आपके गुलगुले स्पंजी और सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। यीस्ट कोई भी जनरल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। अब इसको ढककर 1/2 घंटे के लिए रख देंगे। 1/2 घंटा हो चुका है, इसको हम एक बार फिर से मिक्स करेंगे। और आप देख सकते हैं हमारा जो गुलगुले का बैटर है वो कितने अच्छे से फूल चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब चलते हैं गुलगुले बनाने के प्रोसेस में। यह हमने ऑयल को पहले से ही गर्म कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा बैटर डाल कर देखेंगे। आप देख सकते हैं हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। हमारा जो बैटर है वो अच्छे से फूल कर ऊपर आ गया है। आप स्पून की हेल्प से भी गुलगुले का बैटर डाल सकते हैं इस तरह से, या फिर आप हाथों की हेल्प से भी गुलगुले का बैटर डाल सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। इसी तरह से हम सारे गुलगुले बनाकर तैयार कर लेंगे और इनको लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम हमें लो या मीडियम ही रखना है, ताकि हमारे जो गुलगुले हैं वो अंदर से अच्छे से पक जाएं। आप देख सकते हैं हमारे जो गुलगुले हैं वो एक साइड से सिक चुके हैं। अब इनको हम पलट देंगे और दोनों साइड से हम लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। और ये गुलगुले हमारे बनकर रेडी हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लाइट गोल्डन कलर आया है हमारे गुलगुले के ऊपर। अब इनको हम निकाल लेंगे।
और ये हमारे सुपर सॉफ्ट स्पंजी गुलगुले बनकर रेडी है। आप देख सकते हैं कितने स्पंजी बने हैं हमारे गुलगुले, और ये देखिए अंदर से कितनी अच्छी जाली बनी है हमारे गुलगुले के अंदर, आप देख सकते हैं। तो आप भी मेरे इस गुलगुले की रेसिपी को जरूर ट्राई करिए और अपना फीडबैक देना कमेंट में ना भूलिए, और इस रिमझिम बारिश में गुलगुले को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।